अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? एक्चुअली मैं और आप लोग की भाभी हम लोग जा रहे हैं अ काइंड ऑफ शहर चांद। तो बस अभी हम निकलने ही वाले हैं घर से। 6 बजे की हमारी ट्रेन है। पहले हम जाएंगे लाहौर, उसके बाद आगे हम प्लान करेंगे कि हमने कहाँ जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो फिर रास्ते के अंदर हमसे आपसे बात करेंगे, ठीक है? हम ट्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शीशा बहुत साफ़ दिख रहा है। जब हम पहुंचे थे तो ये बिल्कुल साफ़ नहीं था। हमने आते ही अपने वाइप्स निकाल के ये पूरी मतलब डिटॉल उसके ऊपर छिड़क के अपने पूरी सफाई की है। सेफ्टी प्रिकॉशंस को हम बहुत मतलब बहुत सीरियस ले रहे हैं। और ये हमने ये जो हैंडल्स हैं इस पे सब पे और ये जो वॉल है इस सब पे मैंने और निम्रा ने आके बोल तबीयत से जो है ना सफाई की। आप देख सकते हैं वाइप्स के निशान पड़े हैं। तो बस, और अभी हम अपने केबिन के अंदर हैं और अभी तक कोई आया नहीं है। तो मतलब लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं। चलें, अच्छी बात है। लोग अगर सफ़र नहीं करेंगे तो हम लोग भी सफ़र नहीं करेंगे, हम इजीली जाएंगे। अभी तक कोई नहीं आया इस कंपार्टमेंट में, तो होपफुली कोई नहीं आएगा। चलें ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं कुछ नए शॉर्ट्स के साथ और कुछ नई टॉक्स के साथ। टेक केयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया है। ट्रेन अभी जूं की चाल रेंग रही है, रिंगते रिंगते आगे बढ़ रही है। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लोली स्लोली जा रही है, एकदम तेज़ नहीं हो सकती ना, एक पाकिस्तान की ट्रेन है। तो बस अब ट्रेन चल पड़ी है और अल्लाह का बहुत एहसान है, हमारा पाकिस्तान है और हमारे डब्बे में अभी तक कोई नहीं आया। तो हम वी आर रियली हैप्पी, क्योंकि फिर आपको पता नहीं होता ना कि किस तरह के लोग आ रहे हैं। खैर चलें, अब मुझे लग रही है भूख, तो हम कुछ खा लें, ठीक है? तब तक आप लोग नहीं, एंजॉय ना करें। मैं हमेशा बोलता हूँ एंजॉय करें, एंजॉय तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? चलें, आप लोग अपना तब तक ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ अर्से बाद। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि हम वेट कर रहे हैं मोहसिन भाई का, मोहसिन भाई आ चुके हैं। ये देखें, फुल तैयार होके आए हैं मोहसिन भाई, और मोहसिन भाई के साथ आया जैन भाई। ये पीछे बैठे हैं जैन भाई, ये फेमस टिकटॉकर हैं। आजकल मार्केट में बहुत ये नहीं है, ये हाथ से गोलियां मारते हैं। तो हम लाहौर की सड़कों पर रवा दवा हैं। बस हम गुजरांवाला जा रहे हैं अभी, उसके बाद जाके कुछ खापा तोड़ेंगे यार, क्योंकि कल से कुछ नहीं खाया। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, कल कल से नहीं, कल खाया था
हल्का फुल्का खाया था, लेकिन अभी असल वाला जो खाना खाएंगे ना हम गुजरांवाला में जाके तोड़ेंगे, ठीक है? तो भाई थोड़ा थक गया, तो अभी थोड़ा रेस्ट करेगा, आप लोग भी रेस्ट करें। अस्सलामुअलैकुम, हम लोग आ चुके हैं गुजरांवाला। हम देखें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। पंजाब में बहुत ग्रीनरी है माशाल्लाह, लेकिन अब हम आगे जा रहे हैं पिंडी। पिंडी जा रहे हैं, उस वहाँ कुछ रिलेटिव से मिलेंगे जाके, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। आगे का मुझे पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन आगे जाएंगे हम लोग, मतलब नॉर्दर्न एरिया जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक हमें जाने देंगे। चलें ठीक है, फिर बहुत पसीना आ रहा है यहाँ पे, वो हो रही है, हब्स हो रहा है, तो ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं व्लॉग बनाता हुआ आ रहा हूँ कराची से गुजरांवाला, गुजरांवाला से पिंडी, पिंडी से फिर हम आगे गए एबटाबाद, एबटाबाद से मानसेरा, मानसेरा से बालाकोट, फिर केवाई, केवाई से फिर हम ऊपर की तरफ चढ़े शोग्रान की तरफ। तो अभी हम फाइनली हम शोग्रान पे हैं, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है यहाँ पे आने का, क्योंकि सीन्स कुछ ऐसे हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे यहाँ आने के बाद कोई रिग्रेट नहीं हुआ, तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि सीन्स कुछ ऐसे हैं। और इंतहाई सर्द मौसम है यहाँ पे जून के अंदर। तो जो है दिन ढल चुका है, शाम होने को है, बस मगरिब का टाइम हो चुका है। तो आप ये देखें, देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, देखें पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो मुझे आने के बाद कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपना सल सफ़र। हम सुबह जाएंगे 8 बजे शार्प सिरिपाय। जिन जिनको पता कि सिरिपाय एक जगह का नाम है तो वो तो ठीक है, जिन जिनको नहीं पता वो समझ रहे होंगे कि मैं सिरिपाय खाने जाऊँगा। सिरिपाय एक जगह का नाम है, वो आप पीछे देख रहे हैं टॉप, वहाँ जाएंगे हम। तो अब हम बहुत थक गए हैं, क्योंकि कल से निकले मैं, तो आराम बिल्कुल नहीं किया। तो थोड़ा आराम करेंगे और थोड़ी सी शाम, ठीक है? तो फिर कल सुबह मिलते हैं 8 बजे। टेक केयर, तब तक। जैसे मैंने आपको लोगों को बताया था कि कल हम निकलेंगे सिरिपाय के लिए, तो अभी हम रास्ते में गाड़ी थोड़ी देर खड़ी की है, क्योंकि बहुत गर्म हो गई है। रास्ता तो आपने देखा ही है किस तरह का था, तो इस वजह से थोड़ा सा रुके हैं। ये एक स्पॉट है, तो आज ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, नहीं तो हमेशा बारिश होती रहती है। जो है बादल आए हुए होते हैं, सामने गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही होती, इतनी ऊँचाई पर। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हाँ तो जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सिरिपाय पे,
ये वो वाले सीरी पाया नहीं है जो बकरे की सीरी होती है और बकरे के पाए होते हैं, वो वाला सीरी पाया नहीं है। ये जो है किवाई से हम बैठे, क्या नाम है, जीप में, जीप से हम गए शोग्रान। जैसे मैंने आपको कल बताया था, शोग्रान में हमने रात को नाइट स्टे किया, क्योंकि ये जगह पे आप सुबह में ही आ सकते हो और रात में आप नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे रीच जो चीते मतलब ऐसे घूम रहे होते हैं रात के टाइम। तो जो है ना, हम यहाँ पे आए और अभी हम पाया पे हैं, सीरी हम नीचे छोड़ा है। मतलब दो स्पॉट्स अलग अलग हैं, सीरी हम मतलब बकरे की सीरी पर, वो अलग सीरी नहीं है, सीरी हम नीचे छोड़ाए हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये पाया है, ये टॉप पे है, इसके ऊपर एक और मेरे पीछे, आप अगर पीछे अगर आपको दिख रहा हो, चलो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, मकड़ा पॉइंट है, वो है 13,600 फीट की बुलंदी पे। तो यहाँ से आप विदाउट गाड़ी आपको जाना पड़ेगा, कोई गाड़ी नहीं जाती वहाँ पे, आपको बाय ट्रैकिंग जाना पड़ेगा, बाय ट्रैक करके आपको जाना पड़ेगा, और उसमें आपको लग जाएंगे आने जाने में तकरीबन 7 घंटे। तो हम ये रिस्क ले नहीं सकते क्योंकि हमारे साथ फैमिली है, एक छोटी बच्ची भी है, तो इसलिए हम नहीं जा सकते। बाकी ये स्पॉट बहुत ही कोई हसीन तरीन स्पॉट है, आप विज़िट करें। मैं यहाँ पे मकामी ड्राइवर का जो है नंबर भी डाल दूँगा, तो आप उससे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो रीज़नेबल पैसों में आपको यहाँ ले आएगा, और जितना टाइम आप रुकना चाहें आप रुक सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्योंकि मेरा तो यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त जगह देख के दिल खुश हो गया है। हम जब पंजाब से निकले थे तो बहुत गर्मी थी, तो हमने ये तहैया किया था कि बस जाना है, सर्दी में जाना है, तो अब हम सर्दी में आ चुके और यहाँ पे अच्छा खासा वेदर जो है काफ़ी लो है, मतलब बहुत सर्दी है। कल पूरा दिन बारिश होती रही है। चलें ठीक है, मैं अब ज़्यादा आपको पकाऊंगा नहीं, तो आप ये बस सिनेमैटिक शॉट्स देखें।